What's up guys, this is Cherub from Reaction TV 121. आज जिस गाने को हम deconstruct करने वाले हैं, उसका नाम है गड्डी नीवी. आर्टिस्ट है none other than हनी सिंह और सिंगस्टा. गाने का टेम्पो है 146 और इसका जॉनर है ट्रैप. आने वाली वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं. कल परसों में ही बीट बैटल की अनाउंसमेंट होने वाली है, तो नोटिफिकेशन वाली घंटी जल्दी से जल्द अभी तुरंत से पहले प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर दो और फालतू बातें करे बिना आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं गाना कैसे बना. आइए स्टार्ट करते हैं अपने रिदम सेक्शन के साथ, जिसमें सबसे पहले ऐड करते हैं किक, इसके बाद ऐड करते हैं क्लैप. देखिए बहुत सेंटर में क्लैप थी तो मुझे उस पर थोड़ा सा वाइडर लगाना पड़ा. बड़ा अच्छा प्लगइन है इन्फेक्टेड मशरूम का, थोड़ा सा बाहर को भेजने के लिए इसको, इसके बिना और इसके साथ. लेकिन अभी भी मेरा वो पंच लैग कर रहा था तो मुझे एक और लेयर देनी पड़ी एक और क्लैप के साथ. दोनों एक साथ. इसके बाद लेयर दी एक स्नेयर की. उसके बाद आती है हमारी हाई हैट्स और ओपन हैट्स. एक हल्का सा पर्कशन आता है यहां पे और आते हैं हमारे स्नेयर रोल्स. उसके बाद ऐड करते हैं क्रैश. इसी के साथ हमारी रिदम पूरी हो जाती है. अब आती है हमारी 808 बेस लाइन, जो कि गाना ए माइनर पे है. काफी लोग इस चीज को अलग मानेंगे लेकिन गाना ए माइनर पे है. लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मेरी जो 808 है वो ई पे डिजाइन करी गई है, मतलब ई को बेस माना गया है. तो कैसा साउंड करती है. इसके बाद ऐड करता हूं मैं इसके अंदर एक प्लक साउंड. अब प्लक साउंड मैंने कहां से बनाई है मैं आपको दिखा देता हूं साथ के साथ. ये है जी Z3TA+2 केक वॉक का बहुत अच्छा प्लगइन है. इसका ये प्रीसेट था जो मैंने यूज किया है, शॉर्ट प्लक और कॉर्ड्स ऑफ लाइफ. इसको थोड़ा सा मैंने ट्वीक किया था एफएक्स में और थोड़ा सा इनवेलप. ये कैसा साउंड कर रहा था. इसके ऊपर मैंने एक ईक्यू लगाया हुआ है. इसको ऑडियो में बाउंस करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक और ईक्यू लगाया और मेरी साउंड हो जाती है एकदम सटल सेटल्ड. और मैंने एक और ओमनीस्फेयर का प्लग यूज किया था, ये हाइज में है. इसके साथ लेयर करके एक भरी हुई साउंड आ जाती है, सेम नोट्स. उसके बाद ऐड किया मैंने एक पैड जो सिंगल नोट प्ले कर रहा है. क्यों, आप एक बारी ये प्लग सुनिए ऐसे और इसके साथ वो एक एम्बियंस बिल्ड कर देता है. उसके बाद आती है हमारी बेल्स जो ट्रैप जॉनर में बहुत ज्यादा यूज करी जाती हैं. ये मैंने यूज करा है नेक्सस 1 और ये XP मतलब अलग से पैक था नेक्सस के लिए. उसके अंदर ये म्यूजिक बॉक्स 1 की साउंड है. इसके बाद आते हैं वोकल चॉप्स. अब वोकल चॉप्स कैसे थे यहाँ पे ओरिजिनल गाने के, तो भैया हमें तो नहीं मिल पाए क्योंकि पता नहीं हनी भैया ने कहाँ से कौन सा पैक यूज किया या सिंगस्टर ने यूज किया. जैसे भी मुझे जो सही लगा मैंने वो यूज कर लिया इसमें. इसमें मैंने रिवर्ब लगाया हुआ, अच्छा खासा कंप्रेसर दिया हुआ, दैट्स इट, और कुछ नहीं करा मैंने. उसके बाद आती है इसमें चर्च बेल्स. अब चर्च बेल मैंने यहाँ पे दो यूज करी है. एक है ये थोड़ी लेफ्ट को पैंड है, आप लोग सुन पा रहे होंगे, और साथ में एक और चर्च बेल तो थोड़ी शार्प है और सेंटर है. एक्चुअली ये भी लेफ्ट है, मैं भूल गया था. उसके बाद आती है इसके अंदर एक आर्प की साउंड. ये ना बहुत बहुत छोटी छोटी, अगेन वही बात आ जाती है मुझे, मतलब हनी सिंह पाजी की यार प्रोडक्शन सच में जानदार है. बहुत छोटी छोटी चीजों से ना बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे बिल्डिंग नहीं खड़ी होती एक के ऊपर और बहुत अच्छी चीज बन जाती है. तो आगे जाके जब हमारे हनी पाजी के वोकल्स आते हैं यहाँ पे एक आर्प की साउंड आती है. कैसी, सिर्फ ये साउंड है और इसके साथ ऑफकोर्स ये चीजें तो चल ही रही है.
ऐसे ही इसमें एफएक्स के तौर पे की भी यूज करी गई है, मतलब कीज की साउंड यूज करी गई है। वो कैसी साउंड है? सिंपल, एक ही नोट। तो एक बार ही सुन लेते हैं यहां तक ये सारा कुछ कैसा साउंड कर रहा है, उसके बाद ऐड करते हैं वोकल्स और पूरा गाना सुनेंगे। आता है वो सवाल जहाँ पे ये तुम्हें सभी सैंपल्स मिलने वाले हैं बिल्कुल मुफ्त। तो सवाल ये है कि भैया ये जो कटरीना जी का विवाह हुआ है उनके पति का नाम क्या है? तो एक कमेंट तुम्हें इस वीडियो के नीचे जरूर करना है, कोई भी कमेंट हो सकता है, बस गालियां मत देना यार, दिल से बुरा लगता है यार। नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको फॉलो कीजिए, नीचे कमेंट जरूर करना है, वो सबसे तगड़ा पॉइंट है। और ये सभी सैंपल्स ले जाइए बिल्कुल मुफ्त। अब आते हैं इसके अंदर एफएक्स। एफएक्स में कुछ भी नहीं था यार, सिर्फ एक ये तलवार की साउंड डाली है मैंने। That's it. उसके बाद आते हैं हमारे हनीपा जी के वोकल्स, चांदनी ऑफ डार चक दिया है। और आते हैं हमारे सिंगसा के वोकल्स। तो आइए सुनते हैं पूरा गाना एक साथ कैसा साउंड करता है, और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। कैंडी यो यो हनी सिंगर सिंगस्टर बेबी चांदनी ऑफ टाइट जुबान दी पोलाइट असूलत बहुत टाइट तेनू छटके बच्चिया ने कुछ जो मैनू कर दे एक्साइट चेक मेरा पे चेक पे चेक पे चेक आई एम लव चोरी नहीं की थी पर मिले सारे लुटे उचाइया तो डरना छड़ दे तेरा यार सब तो वड्डे पार गड्डी नीवी बंब धीमी गड्डी नीवी बंब धीमी कदे लुई कदे जिमी ना यू सी मी ना यू सी मी गड्डी नीवी बंब धीमी गड्डी नीवी बंब धीमी कट लेंदी जान जदों नीवी जावे बंब धीमी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप हमारी कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते तो आज ही कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन टू, और हम लोगों को कर लो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।